प्रदेश में हो रहे महिलाओं पर जघन्य अपराधों को लेकर जनपद मैनपुरी के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष विनीता शाके की अध्यक्षता में कलेक्टर परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और नए बिल की प्रतियां जलाते हुए प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को लेकर एक जिलाधिकारी को राज्यपाल उत्तर प्रदेश लखनऊ के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा फेल हो गया है। पूरे प्रदेश के साथ साथ मैनपुरी में भी महिला सुरक्षित नहीं है, जिनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं के प्रति सरकार जागरूक ना हुई तो पूरे प्रदेश में कांग्रेसी कार्यकर्ता आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। इस मौके पर मथुरा से आए पूर्व विधायक प्रदीप कुमार मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि देश में जहां बलात्कार की घटना रोज होती है, वहां मैनपुरी भी अछूता नहीं है। उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे को मोदी सरकार का जुमला बताया है और कहा कि जनता को गुमराह करने के लिए मोदी सरकार नागरिक संशोधन बिल व अन्य वादों से जनता को गुमराह कर रहे हैं। देखिए मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की खास रिपोर्ट। असर जो है ना, कांग्रेस फिर जो है ना यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या पूरा मामला है, किस मामले को लेकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में जहाँ बलात्कार की घटनाएं रोज होती हैं, देश में जहाँ बलात्कार की घटनाएं रोज होती हैं, वहाँ मैनपुरी जनपद भी बलात्कार के कांडों से अछूता नहीं रहा है जी। और ये अवगत कराया गया है कि यहाँ कोई थाना ऐसा नहीं है कि जहाँ महिलाओं के साथ अभद्रता नहीं की जाती हो, अश्लीलता नहीं की जाती हो, बलात्कार की घटनाएं ना होती हो, महिलाओं को मारा नहीं जाता हो और महिलाओं को जलाया नहीं जाता हो। ये संवेदन शून्य योगी जी की सरकार मोदी जी के संरक्षण में बिल्कुल नाकामयाब रही है इन सब कांडों को रोकने में। और नारी शक्ति की बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी की सरकार आज नारियों के को अपमानित होने से नहीं बचा पा रही है। आज स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने जब 27 नवंबर को एक लेटर योगी आदित्यनाथ जी को लिखा, मुख्यमंत्री जी को, तब सरकार जागती है और जागने के बाद यहाँ के एसएसपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर करती है। अनुष्का नाम की बालिका जो कि नवोदय विद्यालय में की छात्रा रही, उसकी हत्या की जाती है, उसके शव को पंखे से लटका दिया जाता है। बाद में जांचों से पता लगता है कि उसके साथ रेप किया गया और आज तक उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया है, सब पता नहीं लग पाया है कि असली मारने वाले और बलात्कार करने वाले लोग कौन थे, किसने उनको पंखे पर लटकाया। आज हम लोग उसी नारी शक्ति के साथ जो ये विभत्स घटना हुई है, उसके लिए हम सब कांग्रेस जन यहाँ मैनपुरी में, हम बाहर से मथुरा से आए हैं, पूर्व नेता कांग्रेस विधानमंडल दल हैं प्रदीप माथुर, हमारे पूर्व विधायक जी पट्टी से आए हैं, असुरक्षित है अपने आप को 50% आबादी। क्या लगता है कि बीजेपी का नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्या फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल फेल हो गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी का जुमला हो गया है। अब ये इस जुमले में कोई दम नहीं है और मोदी जी मौन धारण किए हुए हैं। मन की बात करते हैं, दिल की बात नहीं करते। मन की बात मन चलायमान होता है, कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं, अपनी बात पे स्थायी रूप से टिकते ही नहीं हैं। हालात बद से बदतर हैं देश के, जनता को गुमराह करने के लिए कभी NRC बिल कभी नागरिक संशोधन बिल लाते हैं और देश को गुमराही की तरफ ले जाते हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।